हेलो फ्रेंड्स, मानव्स कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल मसाला खिचड़ी, जो हमने तुअर दाल और चावल से बनाई है। और इसमें डाली है सब्जी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में टेस्टी और हेल्दी भी है। बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्दी फूड है। आप इसे दही, छाछ, पाकड़ी, रोटला, पराठा इन सब के साथ खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने सब्जी डाली है तो आपको सब्जी की ज़रूरत नहीं है। और आइए बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैंने लिया है 1 कप तुअर दाल और 2 कप कम्बोद का चावल लिया है। साथ में लिया है हरी मटर और हरी तुअर, टमाटर, टिंडे, फ्लावर गोभी, कैप्सिकम और गाजर। साथ में लिए 1 आलू का टुकड़ा, तेज़पत्ता, लौंग, करी पत्ता और 1 तज का टुकड़ा। साथ में लिया है प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। और ये लिया है 1 बैंगन, जो हम इसको बाद में काटेंगे। अब गैस ऑन करके हम कुकर में 2 चम्मच तेल डालेंगे और बैंगन को भी हमने काट लिया है। अब इसमें डालेंगे राई, जीरा, हींग और 2-3 मेथी के दाने। और बाद में डालेंगे तेज पत्ता, लौंग, तज और करी पत्ता। इन सबको मिक्स करके अब डालेंगे इसमें जो सब हमने सब्जी काट के रखी थी वो। और गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे और इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। और अब इसमें डाल देंगे प्याज, लहसुन, अदरक और जो साबुत हरी मिर्च है वो। अब इनमें से हम तज का टुकड़ा निकाल लेंगे, क्योंकि ये बच्चों को मुंह में आएगा तो पसंद नहीं आएगा। अब इसमें डाल दिया है हमने आलू के टुकड़े। और अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी और 2 से 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि ये थोड़ी स्पाइसी होगी तो ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और साथ में डाल दिए गरम मसाला। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके इसका जो तेल है वो रिलीज होने तक इसको भुनेंगे। अब हमारा तेल रिलीज हो गया है और अब इसमें हम जो दाल और चावल धो के रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। और इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देंगे पानी। हमें इसमें पानी दाल चोखा जितना लिया है इसके 2 गुना पानी डालना है। और अब ये जो हरी मिर्च है वो भी हम निकाल लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी और थोड़ी हरी धनिया की पत्ती। देसी घी ऊपर डालने से आपकी जब कुकर की सीटी बजेगी तो इसके जो मसाला ऊपर आ जाता है और पानी बाहर निकलता है वो नहीं निकलेगा। अब इसको हम ढक्कन लगा के 2 सीटी होने तक इसको पकाएंगे। और अब हमारी ये जो विसल है वो लग चुकी है और गैस की फ्लेम बंद करके 15 मिनट ठंडा होने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, वाओ, कितनी बढ़िया खिचड़ी हमारी रेडी हो गई है। देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाल दिया है। और आप कमेंट करके भी हमें बताइएगा कि आपने ये खिचड़ी की रेसिपी घर पे बनाई या नहीं, और बनाई तो कैसी बनी, अच्छी लगी या नहीं। अब हम इसको 1 कांच के प्लेट में निकाल लेंगे।
ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाल के गार्निश करेंगे और इसको हम छाछ के साथ इसका मज़ा लेंगे। इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच भर के देसी घी और ये गर्मा गर्म गेहूँ के आटे की भाकरी भी हमने तैयार कर ली है। तो आइए, गुड बाय दोस्तों।